आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो 2 दिसंबर को विषय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होने वाला है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ना, 6 मई परीक्षा, उसका पेपर देखने वाले हैं। और गाइस, कल के पेपर में आपको ये पेपर सेम टू सेम दिख सकता है। इसके 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम दिख जाए। और यदि सेम टू सेम नहीं मिलता तब भी गाइस, इससे आपको 70, यदि ऐसे पढ़ के जाओगे 70 नंबर आपके आईटी के पेपर में कन्फर्म हो जाएंगे। तो आपको सभी के पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना है और देन एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सही विकल्प है पहला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में इसकी सहायता से टेक्स्ट इनपुट डाला जा सकता है। तो किसकी सहायता से? वो है आपका कीबोर्ड, ठीक है। और जो भी आपको आंसर लगे आप टिक कर लेना, हमें आंसर तो ज़्यादा कंफर्म नहीं है। बट आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, तो भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है तो BSNL, ठीक है, सी। देन थर्ड क्वेश्चन है, फाइल इसमें व्यवस्थित की जाती है, तो फाइल व्यवस्थित की जाती है आपकी, थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका फोल्डर में, ठीक है, ई। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो नेटपैड आपका इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, बाकी गूगल क्रोम, इंटरनेट मौजूद आपका इंटरनेट ब्राउज़र है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हो पांचवा क्वेश्चन, एक सर्च इंजन है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल सर्च। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करके, तो आपको इंग्लिश का पोर्शन भी आता है आपके आईटी के पेपर में। तो जैसे माय पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक लव या लव्स वेरी मच मी वेरी मच, तो आपका आंसर आएगा लव मी वेरी मच, ठीक है। हेलो सर, हैव फिल इन द ब्लैंक आर इज़ यू, तो हैव आर यू, ठीक है। देन हैव आएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आर आएगा, सी में आपका जाएगा क्या, आप चेक कर लेना। देन डी है ही फिल इन द ब्लैंक का स्टूडेंट, तो ही इज़ अ स्टूडेंट। देयर फिल इन द ब्लैंक सिक्स मेंबर्स इन माय फैमिली, तो देयर आर सिक्स, यहाँ पर क्या आएगा, आर सिक्स मेंबर इन माय फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर का हिस्सा है, तो आपको बताना सत्य है कि असत्य, तो आप जो भी हो आप चेक कर लेना। मॉनिटर एक इनपुट यूनिट है, तो चेक कर लीजिएगा। प्रिंटर की सहायता से डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जाता है। सर्च इंजन एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400400400 नंबर सेव कर लें और चैट ओपन कर लें। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट की बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आपको अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है, 2 इनपुट यूनिट के नाम बताइए, दूसरा है 2 आउटपुट यूनिट के नाम बताइए, तीसरा है 2 स्टोरेज यूनिट के नाम बताइए, चौथा है माउस कीबोर्ड का कार्य बताइए। और यदि आप गाइस इंग्लिश मीडियम से, तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ द 2 इनपुट डिवाइस, नेम ऑफ द 2 आउटपुट डिवाइस, नेम ऑफ द 2 स्टोरेज डिवाइस, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। एंड पांचवा है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में क्या कार्य करती है, तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद गाइस, आपके शॉर्ट आंसर के बाद थोड़ा मिड आंसर है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रैम का कार्य समझाइए, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रैम, रोम का कार्य समझाइए, ठीक है, मदरबोर्ड से आप क्या समझते हो, वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हो, ठीक है। सर आपके दीर्घवृत्ति प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग बताइए या बताइए। एंड सेकेंड है, ALU और CUU को समझाइए। सो गाइस, यही थे आपके क्वेश्चन जो आपके कल पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 2 दिसंबर को। बाकी नहीं आते तो आपके मोस्ट IIMP क्वेश्चन है, आपको पढ़ के ही जाना है। एंड गाइस, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।